दे फॉलो द रूल्स ऑफ कंपनी, कंपनी के सारे रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन कैसे? अपने हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से, कंपनी की कंडीशन के हिसाब से नहीं। फिर दूसरा क्या होता है, दे आस्क फॉर द रिजल्ट, वो पूछेंगे हर टीम मेंबर को कि रिजल्ट आपने प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, लेकिन जिन लोगों के साथ इनका अच्छा रिलेशन होगा उनका रिजल्ट नहीं भी आता होगा, फिर भी उनको वो ऑफिस में टिका के रखेंगे क्योंकि उनका रिलेशन उनके लिए प्रायोरिटी है, रिजल्ट नहीं। ये कैटेगरीज के अंदर जो लोग होते हैं, दे ड्यू मैनेजमेंट ऑफ देयर टीम, उनका मैनेजमेंट जो होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, तो वो अच्छी तरीके से लोगों को ट्रीट कर लेते हैं, समझा लेते हैं, और हर चीज के बेहतर से बेहतर बहाने इन लोगों के पास होते हैं। मतलब कोई भी काम अगर नहीं करना है और उसका क्या ऐसा आंसर देना है कि सामने वाला बंदा समझ भी जाए और वो कुछ बोल भी ना पाए, तो ऐसे उनके माइंडसेट उनके बने होते हैं, इस तरीके से वो लोगों को मैनेज करते हैं। दे डेलीगेट वर्क प्रॉपरली, इनका काम ही ये होता है खुद कुछ करना नहीं है, बाकी का सारा काम लोगों से करवाना है और लोगों से काम किया हुआ क्रेडिट अपने नाम पर लेना है। तो इन लोगों का माइंडसेट सुबह से शाम ऐसा ही होता है, कितना भी कंपनी का इंपॉर्टेंट काम आ जाए वो अलग अलग तरीके के लोगों से करवाएंगे और करवाने के बाद बोलेंगे कि सर ये मेरा काम आज का जो था वो मैंने कर लिया, खुद कुछ नहीं करेंगे। फिर होते हैं दे ट्रैक कंपनीज प्रोग्रेस, इनका ट्रैकिंग सिस्टम अच्छा होता है क्योंकि इनको कंप्यूटर का नॉलेज होता है, टेक्निकल चीजों का नॉलेज होता है, तो हर चीजों के अंदर डेटाबेस बात करेंगे, डेटा ओरिएंटेड बात करेंगे, लेकिन फील्ड पर जाने की बारी आएगी, एग्जैक्ट काम करने की बारी आएगी, वो अपनी चेयर से उठेंगे ही नहीं, वो पूरा दिन ऑफिस में ही टाइम निकालेंगे, पूरा दिन ऑफिस के अंदर ही बैठे रहेंगे और पूरा दिन ऑफिस से ही अंदर से सारी चीजों को ट्रैक करने का एफर्ट करेंगे। वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि फील्ड वाले के साथ फील्ड पर जाना चाहिए, सर्विस वाले के साथ सर्विस में चेक करना चाहिए, कस्टमर अगर आ रहा है तो उसका फीडबैक लेना चाहिए, वो वही करेंगे जो उनको सही लगे। तो ऐसे कैटेगरीज के अंदर जो लोग आते हैं वो अच्छे डूअर होते हैं, आप अगर हो तो आपको ऐसा रहना नहीं है। अब बात करेंगे तीसरी कैटेगरी जिसको कहा जाता है डेवलपर मैनेजर, एक लीडर मैनेजर, कि एक लीडर मैनेजर जो होते हैं, एक डेवलपर मैनेजर जो होते हैं, वो ऑलवेज हर चीजों के अंदर अपना रोल एक लीडर का प्ले करते हैं। तो देखते हैं इन लोगों की परिभाषा क्या होती है और इनकी कैटेगरीज के अंदर कैसे लोग आते हैं। तो दे हैव क्लियर विजन इन गोल, सवाल यही है कि आप लोगों ने क्या अपनी जिंदगी का कोई विजन या गोल आप लोगों ने बनाया है? आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है यस या नो का। और अभी के अभी आप लोग जहां पर बैठे हैं वहीं से आपको किसी एक चीज को फोकस करना है, जो एक्टिविटी मैं अभी आप लोगों के साथ करवा रहा हूं, तो आपको इस तरीके से हाथ जो है वो सामने लेकर आना है और उंगलियों का वी शेप बनाना है, इस तरीके से मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और ये वी शेप बनाकर आप लोगों को करना ये है, ये दो उंगलियों के बीच से आपके रूम में या ऑफिस में जो जगह के ऊपर आप फोकस कर सकते हो एक जगह पर आप फोकस कीजिए, ऐसे एक आंख बंद करके, तो जिन चीजों को अगर आप देखोगे वो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा और उंगली जो है वो आपको धुंधली दिखाई दे रही होगी। अब थोड़े टाइम के लिए आपको अपना फोकस जो है वो उंगलियों पर लेकर आना है, तो आपके सामने जो वी शेप में टारगेट दिखाई दे रहा होगा वो धुंधला हो गया होगा और उंगली आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। बहुत बढ़िया। ये क्या मैं आप लोगों को लर्निंग देना चाहता हूं, ये क्या मैं आप लोगों को लिसनिंग देना चाहता हूं, इसका मतलब ये होता है जिसका फोकस विजन गोल क्लियर होता है कि उसको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम जो है ना वो धुंधले होते हैं। और जिस इंसान का फोकस प्रॉब्लम के ऊपर आ गया होता है ना, उस इंसान की जिंदगी में विजन जो है ना वो धुंधला हो जाता है। तो आपको ऑलवेज एक चीज ध्यान रखनी है, दिन भर के अंदर आपको चेक करना है आप गोल के बारे में बात कर रहे हो, विजन के बारे में बात कर रहे हो, कि आप प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो। तो आपका फोकस जहां होगा वही चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको अपना फोकस जो है वो क्लियर रखने की आवश्यकता है, जहां पर आपका विजन लाइफ का क्लियर होना चाहिए।
एज अ लीडर मैनेजर। दूसरा चीज है दे हैव ग्रेट पीपल मैनेजमेंट स्किल। उनको पता होता है कौन काम करने वाला बंदा है, कौन काम का दिखावा करने वाला बंदा है, कौन काम की चोरी करने वाला बंदा है, कौन टीम के अंदर ऐसा बंदा है जो बहुत बेहतर काम कर रहा है, और कौन बंदा ऐसा है जिसको पता ही नहीं है करना क्या है। क्योंकि एक ही कंपनी में 5, 10, 15, 20 लोग अगर होते हैं, सबकी मास्टरी अलग अलग होती है, सबकी एक्सपर्टाइज अलग अलग होती है, लेकिन एक लीडर मैनेजर को पता होता है सभी लोगों को साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ना है और सभी लोगों को ग्रो कैसे करना है। तो इसके लिए एक चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है अपनी कंपनी के अंदर। आप डायरी और पेन जो आप लेकर बैठे हो उसमें नोट डाउन कर लो और वहां पर आप देखो कि अपनी कंपनी में इस पोजीशन पर आने वाले लोग कौन है, और ये पोजीशन के अंदर आने वाले जो लोग हैं उनके साथ आपको करना क्या है। तो मैं यहां पर आप लोगों के बीच में एक एग्जांपल शेयर करूंगा जिससे आपको ट्रैक करना है कि आपकी टीम के अंदर कौन सा बंदा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है एज अ डेवलपर। किसी भी इंसान के अंदर दो तरीके की चीज होती है, एक होती है स्किल और दूसरी होती है विल। तो आपको अपनी कंपनी के अंदर 4 कैटेगरीज डिवाइड कर देनी है और उस 4 कैटेगरीज के अंदर फोकस करवाना है। जो 4 कैटेगरी ऐसी होगी जिसके अंदर किसी इंसान के अंदर स्किल होगी, किसी इंसान के अंदर विल होगी। किसी के अंदर स्किल जो होगी वो कम होगी, विल जो होगी वो ज्यादा होगी। किसी के अंदर स्किल भी होगी और विल भी होगी, और किसी के अंदर स्किल भी नहीं है और विल भी नहीं है। तो पहली कैटेगरी ऐसी है जिनके पास स्किल है लेकिन विल नहीं है। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल नहीं है लेकिन विल है। तीसरे लोग ऐसे है स्किल भी है विल भी है, और चौथी कैटेगरी ऐसी है स्किल भी नहीं है विल भी नहीं है। तो इन सबको हैंडल करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। सबको एक समान आपको नहीं तोलना है, सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। ये कैटेगरीज के अंदर आने वाले लोग कौन हो गए आप लोग मुझे बता सकते हो, जिनके पास स्किल है लेकिन विल नहीं है। ये आपकी कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय होते हैं जिनको सबको आता सब कुछ है लेकिन करने की इच्छा ही नहीं है। तो आता तो है, पता तो है, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आपका एज अ मैनेजर रोल ये होना चाहिए इनका मोटिवेशन क्या है वो जानो और उनको मोटिवेट करो। दूसरी कैटेगरीज के अंदर जो लोग आते हैं जिनके पास स्किल नहीं है, मतलब आता नहीं है लेकिन करने की इच्छा बहुत है, तो ये कैटेगरीज के अंदर ज्यादातर कंपनी के अंदर आते हैं वो लोग जिन लोगों के अंदर नए नए टीम मेंबर होते हैं और उनकी इच्छा शक्ति बहुत होती है। तो इन लोगों को आपको क्या करना है, ट्रेन करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग देकर 1 महीने 2 महीने में उनको तैयार करना है। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्किल भी होगी और विल भी होगी, जिसके अंदर आप भी आते हो इसलिए आपकी कंपनी ने आपके ऊपर दाव लगाया है। तो ये कैटेगरीज के अंदर आने वाले लोग फ्यूचर के लीडर है, फ्यूचर के डेवलपर है। तो इन लोगों को आपको क्या करना है, आपका वर्क जो है वो डेलीगेट करना है और इनको डेवलप करना है। सिंपल बोलूं तो आपको अपना काम सिखाना है, उनको तैयार करना है, और ये आपके फ्यूचर के लीडर है। और लास्ट कैटेगरीज के अंदर आते हैं वो नालायक लोग जो कुछ करने वाले नहीं हैं, कुछ करने देने वाले नहीं हैं, और साला कोई करना भी चाहे तो उसको कुछ करने देंगे भी नहीं। तो ऐसी कैटेगरीज के अंदर आए हुए लोग जो है उनको आपको करना है फायर, उनको उठा के निकालो अपनी कंपनी में से, क्योंकि ये वायरस का काम कर रहे हैं और ये वायरस इतना फैला देगी कि एक दिन आपकी कंपनी को ले डूबेगे। अब आपको करना क्या है, इनको निकालने से पहले इनका रिप्लेसमेंट तैयार कर लेना है। मतलब कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा पोजीशन के ऊपर है जिसको बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है तो उसकी सेकंड लाइन तैयार करके फिर उसको निकालना है। तो आप सभी लोगों को आज के बाद ये फॉर्मूला जो है इसके हिसाब से आपकी टीम को आपको मैनेज करना है। क्लियर हो चुका है सभी लोगों को? ऑल ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करेंगे दे आर रैशनल थिंकर।
ये कैटेगरीज के अंदर आए हुए लोग कभी भी इमोशनल नहीं होंगे, कभी भी भावुक नहीं होंगे, कभी भी अपनापन फील नहीं करेंगे। वो ऑलवेज फोकस ये करेंगे कंपनी के लिए जरूरी क्या है वही काम मैं करूंगा, बाकी का कोई काम कोई ज्यादा चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करेगी। उसके बाद जो लोग होते हैं दे हैव नॉलेज फॉर अदर फील्ड एज वेल देयर हिल फील्ड। इन लोगों के पास अपने फील्ड का तो नॉलेज होता ही है लेकिन साथ में दूसरे फील्ड का भी नॉलेज ये लोग ले पाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक भूख होती है सीखने की, इच्छा शक्ति होती है। उनको नहीं भी आता होगा ना फिर भी वो अपना हाथ पैर मारेंगे, वो ट्राई करेंगे कि आज नहीं तो कल मैं ये वाला काम भी सीख जाऊं। तो इन लोगों की मास्टरी फॉर एग्जाम्पल सेल्स में है तो ये अकाउंट में भी हाथ पैर लगाएंगे, ये सर्विस में भी हाथ पैर लगाएंगे, ये प्रोडक्शन के अंदर भी आएंगे, ये रिटेल के अंदर भी वर्क करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आज नहीं तो कल कंपनी की सिचुएशन जैसी होगी मुझे अपने रोल को वैसे ढालना पड़ेगा और अपने आप को उस लेवल पर भी तैयार करना पड़ेगा कि कंपनी का काम रुके नहीं, कंपनी कहीं पर रुके नहीं, क्योंकि उनको पता है कंपनी ग्रो करेगी मैं ग्रो करूंगा। और ये लोग होते हैं दे हैव क्लियर अबाउट देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन लोगों का रोल क्लियर होता है, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंपनी में आगे खड़े हो जाते हैं। ये कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं है। और किसी ने बहुत सही कहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है, वो ऑलवेज ली जाती है। तो आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो मतलब आप अपने फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो, अगर आप कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा ले रहे हो मतलब आने वाले टाइम में आप उतना ही ज्यादा ग्रो होने वाले हो। तो आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है और आपको अपने रोल को समझना है।